फाइनली गाइज हम लोग रेडी होके आ चुके हैं यहाँ पे। पूजा की तैयारी करके रखे हुए थे तब फिर गए थे रेडी होने के लिए, ताकि रेडी होने के बाद फिर नहीं हो पाता है, तो इसी के लिए पहले कर लिया गया था। और ये हमारा छोटा सा ब्लॉग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरी देवरानी पूरा सजा रही है इसको अच्छे से, और सजने के बाद जो है फिर हम लोग इस पे पूजा करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं पूजा के लिए, और अपना अपना सामान जो चढ़ाने वाला है भगवान को जो चढ़ाते हैं वो सब चढ़ा रहे थे। और ये खड़ी बार बार गिर जा रहा था, तो इसको बांधने के लिए धागा ढूंढ रहे थे मगर मिल नहीं रहा था। और इस बार का फास्टिंग जो बहुत ज़्यादा गाइज लगा है, पता नहीं क्यों तबीयत को लेके कि क्या लग रहा था ऐसे कि बार बार पानी पी लें, बट इसमें तो पानी पिया नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का सब कुछ चढ़ाना वगैरह हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कथा सुन रहे थे। कथा हमारी देवरानी हर साल की तरह कहती है, तो इस बार हम लोग का ड्रेस कुछ अलग सा था, बताना कि कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। तो इस तरह से पूरा डेकोरेशन के संग हम लोग पूजा करते हैं धूमधाम से, और कथा करने के बाद आरती वगैरह करके छत पे जाते हैं जब चांद निकल जाते हैं तो, अब देखने के लिए। तो पहले पूजा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे चांद को देखने के लिए। तो यहाँ पे लगता है कि कथा भी खत्म ही है, यहाँ पे हम लोग की पे पूजा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं छत पे, तो यहाँ पे हस्बैंड भी आते हैं। यहाँ पे हम चंदा जी मामा का जो परिक्रमा होता है वो परिक्रमा लेते हैं पानी से गिरा के, और उसके बाद फिर पूजा में लग जो मतलब चांद देखा जाता है वो करते हैं। तो यहाँ पे बने रहिएगा, इस तरह से हम वो करके फूल अच्छा चढ़ा के मिठाई चढ़ा के तब फिर चन्नी ले के हस्बैंड को देखते हैं। यहाँ चांद निकल आया था मगर चांद से ज़्यादा खूबसूरत मेरा रियल का चांद था जिसे हम देख रहे थे गाइस। यही हमारा छोटा सा ब्लॉग है, क्योंकि ब्लॉगिंग अच्छे से हो नहीं पाया था, तो जो क्लिप हमने लिया है वही क्लिप जो है हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारी देवरानी है तो वो भी पूजा कर रही है। तो इसी तरह से हंसी मजाक के संग भगवान हमारी जोड़ी बनाए रखे दोनों की, इसी तरह हंसते खेलते बीत जाए।